चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि ये व्हीप क्रीम कैसे बनाते हैं। तो मैं जो ये ली हूँ, ये अमूल का जो फ्रेश क्रीम होता है वो मैं ली हूँ, जो अमूल का जो पैकेट आता है ना ब्लू वाला, वो वाला। तो उसको मैं क्या की हूँ कि जो उसको मैं फ्रीजर में छोड़ दी थी, उसके बाद थोड़ा मैं उसको निकाल ली हूँ। तो ऊपर जो वो थिक हो जाता है और नीचे उसका लिक्विड पार्ट बैठ जाता है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है मैं वो थिक वाला ले ली हूँ। और इसके बाद देखिए, इसको मैं पानी ले ली हूँ, ये जो आइस का होता है, और आइस भी है थोड़ा सा इसमें, देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करूँगी, इस पतीले को, जो व्हिप क्रीम वाला पतीला है, उसको मैं आइस के ऊपर रखूँगी और इसे मैं विस्कर से वीट करूँगी। तो चलिए वीट करते हैं। इसे इतना अच्छे से वीट करना है कि बहुत इसका फ्लफीनेस पूरा अच्छे से हो जाए, बहुत ही ज़्यादा इसको फ्लफी करना है। तो ये देख सकते हैं कितना अभी लिक्विड है ये, और ये धीरे 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 ये खुद पे खुद ये फ्लफी होता जाएगा। तो अब देखिए, इसको थोड़ा देर मैं विस्कर से कर लेती हूँ और थोड़ा देर मैं इसे ब्लेंडर से करूँगी। देखिए कंटिन्यू मैं चला रही हूँ इसे, और देखिए कितना अच्छा ये बन रहा है। अभी थोड़ा देर और इसे चलाना है मुझे भी। कंटिन्यू आप इसको आइस के ऊपर रख के चलाइए, और ये गारंटी है कि आपकी ये व्हिप क्रीम बनेगी। स्पेशली ये वीडियो मैं अपनी फ्रेंड के लिए लाई थी, तो उसके लिए ही मैं बना रही हूँ ये। अब देखिए, मैं ये ब्लेंडर से थोड़ा कर रही हूँ इसे, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, मैं उसी से करके दिखा रही हूँ। क्योंकि विस्कर से क्या होता है, कंटिन्यू से चलाना पड़ता है, और इससे क्या होता है कि आप एक बार चलाते रहिए, छोड़ते रहिए। तो ये देखिए, इसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लेंडर से, और देखिए कितना थिक होता है जा रहा है, साइड साइड में आप देख सकते हैं ये। ये देखिए अभी थिक हो रहा है, और थोड़ा देर मैं करूँगी इसे, ये देख सकते हैं आप। बस इसे कंटिन्यू चलाना है, रोकना नहीं है। तो आप खुद पे खुद देखिए कि ये कितना फ्लफी होते जा रहा है। ये देखिए, ये हमारी केक सजाने की क्रीम जो है रेडी हो रही है, और ये देखिए इस तरीके का ये बनके रेडी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।